अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं, उनसे हम कॉमन सेंस के सवाल भी करेंगे और उनसे उनके फील्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे कि वो कितना कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे जानेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं, आपको इंतज़ार नहीं करवाते, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ मीडिया स्टडी जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म, मीडिया स्टडीज, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा फिफ्थ चल रहा है अभी तक। फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो जो चार सेमेस्टर्स गुजर चुके हैं वो कैसे गुजरे हैं? गुजर गए पता नहीं चला, मतलब लगता है कल ही हम यूनिवर्सिटी में आए थे और आज चार सेमेस्टर भी हमारे गुजर गए। और अगर सब्जेक्ट का पूछते हैं अक्सर सीनियर्स तो मैं कहता हूँ मुझे याद नहीं है हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट अभी तक हमने पास किए हैं, वो भी हमें तो ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है वैसे। अच्छा, तो क्या आपके प्लान्स हैं इस फील्ड में आने के बाद? आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखें, जाहिर सी बात है जो इस फील्ड में आते हैं तो वो इसी फील्ड को आगे कंटिन्यू मोस्टली करना चाहते हैं। तो मेरा भी शौक है कि मैं आगे जर्नलिज्म में जाऊं, मीडिया में जाऊं, और एंकरिंग का काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे, मैं कर भी रहा हूं। कभी एंकरिंग की है कभी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में, या अभी जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं तो कभी होस्टिंग की है? जी बिल्कुल, मैं तकरीबन जो ही मैं इनरोल हुआ था यूनिवर्सिटी में तो मैंने देखा मेरे सारे क्लास फेलो ही मेरी तरह से हम अवेले होते थे, तो मैं एक दो चैनल्स के साथ एफिलिएट हो गया था, उधर मैंने काम वगैरह किया। अभी हमारे डिपार्टमेंट, हमारी बीज एडू का ऑफिशियल चैनल है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ एज अ कास्टिंग हेड, तो उसी में मैं प्रोग्राम्स वगैरह। दैट्स गुड, वरना मोस्टली मैंने लोग देखे हैं कि वो डिग्री में आते हैं, कोई भी डिग्री है, नॉट इवन मास कम्युनिकेशन, तो वो किसी भी फील्ड में आते हैं तो वो सिर्फ आजकल के लोगों का मोटिव है कि हम बस डिग्री लें, पढ़ें और जी घरों को चले जाएं बस। हमारी हम फील्ड में काम करना जो है ना, हम उतना ज़रूरी नहीं समझते, पता नहीं क्यों। इसमें देखें ये होता है कि काफ़ी लोग समझते हैं शायद मीडिया की बहुत अच्छी डिग्री है, डिग्री करने से ही आपको जॉब मिल जाएगी, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। डिग्री एक पीस ऑफ पेपर ही होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप बोलते नहीं है, मीडिया के सामने आते नहीं है। अभी भी हमारे आप सेवन सेमेस्टर से भी देख लें, वो शायद कैमरा फेस ना कर शाये हैं, कैमरा शाये हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वो कैमरा फेस ही नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि हमने डिग्री कर ली, बेरोज़गारी हो रही है। तो जब आप कुछ काम नहीं करेंगे तो बेरोज़गारी तो फिर जाहिर सी बातें होगी, आपको नौकरी कौन देगा जब तक आप टेक्निकल काम वगैरह से काम नहीं आता होगा। ऑब्वियसली सही है। और क्या शौक है आपके? गाना गा लेते हैं, कोई शायरी कर लेते हैं? गाना मैं गाता तो नहीं हूँ और मेरा गला भी इस टाइम बिल्कुल ख़राब है शायरी लेकिन आपकी आवाज़ अभी भी अच्छी है। थैंक यू, लेकिन अभी बस गला बिल्कुल बैठा हुआ आजकल, असल में हमारे इलेक्शंस हो रहे थे उसमें हमने इतनी कम्पेन्स की, कम्पेन तकरीरें कर करके हमारा गला बिल्कुल इस टाइम बैठ गया और बिल्कुल भी इस टाइम। इलेक्शन किस चीज़ के थे? हमारे सेफ के इलेक्शन थे, डिपार्टमेंट के, कम्युनिकेटर एग्जीक्यूटिव फोरम के। अच्छा, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह, फिर कोई एक्सप्लेन करें कि क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? उसमें काफ़ी बच्चे जो मतलब पोटेंशियल रखते हैं, डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है आगे ग्रो करने की, आगे बढ़ने की, आगे आने की। तो मैं एज अ जनरल सेक्टर उस पर कंटेस्ट कर रहा था डिपार्टमेंट में इलेक्शंस के लिए, तो मेरा भी यही मोटिव था कि अपना मीडिया का काम तो जाहिर सी बात है चलता है, लेकिन लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना होता तो आपको मैनेजमेंट काफ़ी हद तक सीखनी पड़ती है, तो वो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था तो मैंने सोचा उसे अवेल करूँ, तो बस उसके लिए कंपेन्स कर करके अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। चलें कोई बात नहीं, लेकिन हमें कुछ सुनाएंगे तो सही है आप? शायरी सुना देता हूँ। ज़रूर सुनाएं। शेर सुन लें आप। तरह तरह से भुलाया मगर ये हाल हुआ, तरह तरह से भुलाया मगर ये हाल हुआ, हर एक ख्याल से पैदा तेरा ख्याल हुआ। वाह जी वाह, अच्छा शेर सुनाया आपने, किसी को डेडिकेटेड था या ऐसे सुनाया? अभी कैमरा चल रहा है तो मैं बाद में बता देता हूँ कि मैंने किसे डेडिकेट, मतलब डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड समझ लें। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी, वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है, ओके। क्या नाम है आपका? नबील। नबील, क्या करते हैं आप? मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, थर्ड सेमेस्टर। बी एस थर्ड सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर।
ओके, तो अभी तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होंगे, बड़ा अभी एक बिगनिंग है। हाँ, अभी बिल्कुल स्टार्ट है, कुछ समझ नहीं आती। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या समझ नहीं आता आपको, क्या गाइडेंस नहीं मिल पा रही? गाइडेंस तो मिल रही है, मतलब ग्रो करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है बस। बिल्कुल, किसी भी वो चाहे मैथ्स कॉम है या कोई भी फील्ड है, उसमें ग्रो करने के लिए इट विल टेक टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ आप सीख जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो और आप कैसा जा रहा है आपका यहाँ का एक्सपीरियंस, और क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फर्दर क्या क्या करना चाहते हैं आप इस फील्ड में? इस फील्ड से तो सिर्फ कम्युनिकेशन की स्किल्स लेनी है, बाकी फ्यूचर प्लान बिजनेस का है। फ्यूचर प्लान बिजनेस है, ऐसा क्यों है? ऐसा है क्योंकि जो ख़ानदानी काम है, यूँ समझ लें ख़ानदानी काम को सब यही करते हैं। ओके, तो क्या सुनाएंगे आप? सुना कुछ भी नहीं सकता, सिंगिंग नहीं आती। और क्या आता है? कुछ खास नहीं। चलें फिर कॉमन सेंस का सवाल कर लेते हैं आपसे, ठीक है? ओके, सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी चार टांगे हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? चेयर। पक्की बात है। पक्की 102%। 101% नहीं होता? नहीं। ओके जी, ठीक है, मान लेते हैं हम। टंग ट्विस्टर कराऊं आपसे? नहीं, बस यही बहुत है। यही बहुत है, चलें जी, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? बस यही मैसेज है जूनियर्स के लिए, ये मैसेज है कि आएँ तो अपनी स्टडी पे ग्रो करें, ना कि ये यहाँ वहाँ फिरें और टाइम पास करके चले जाएं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि, मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया, तो आपने बड़ी एक पॉजिटिव और एक बड़ी पॉइंट जो था ना वो बताया है, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग सिर्फ घूमने फिरने आते हैं या सिर्फ पढ़ाई को क्यों इतना फोकस नहीं दिया जाता? आई थिंक इसकी वजह सेमेस्टर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे बस दो महीने पढ़ो, फिर पेपर दो, फिर ख़त्म, बस सब कुछ बस। तो फाइनल जैसे FSC लेवल पे होता है कि पूरा साल के एक ने पूरी बुक कवर करनी है, तो वो टेंशन होती है बच्चों को। यहाँ पे टेंशन नहीं होती, वन नाइट यहाँ पे टेंशन नहीं होती, बेसिक चीज़ें, वन स्ट्रेस नहीं होता, पेपर दे देते हैं। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन में, थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर है आपका, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? एंकरिंग करनी है आगे, एंकरिंग करनी है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। बिल्कुल, बाहर मुल्क जा। अच्छा, कोई फेवरेट एंकर किसको देख के जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो? अरशद शरीफ। अच्छा, तो उसको देख के, उनको देख के यानी आप इंस्पायर होती हैं कि आप एज एन एंकर पर्सन पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकें? बिल्कुल, हाँ जी। तो इसके लिए कुछ कर रही हैं, कोई कोशिश कर रही हैं? हाँ जी, कोशिश अभी स्टार्ट है, लेकिन क्या क्या कोशिश कर रही हैं फिलहाल? तो अभी एक तो मसला ये होता है, डिपार्टमेंट में आए पहले आपका सेमेस्टर होता है, उसके बाद मिड्स, फिर फाइनल्स, आपको उस बीच में काम करने का मौका, आपको उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। हाँ जी, उसके साथ साथ यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ कि आप अपने स्टडीज़ के साथ साथ इन चीज़ों को मैनेज करें। बिल्कुल, वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पहले तो स्टार्ट चैनल से ही करते हैं, अपना चैनल बनाएंगे, उसमें जाके कुछ करेंगे, कुछ भी। आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करने की कोशिश करें उसको। हाँ बिल्कुल, यूँ करते हैं, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है चूँकि, तो हमें चाहिए कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम पॉजिटिवली उसको अवेल करने की कोशिश करें। कोशिश करें, बिल्कुल। ओके जी, कॉमन सेंस का सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देंगी, ठीक है? ठीक है। सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी चार टांगे हैं मगर वो चल नहीं सकती? आई थिंक चेयर। चेयर पूछ लें, पक्का पता नहीं, आई थिंक टेबल या चेयर, एक दोनों में से एक बताएं। टेबल कर ले। ओके ओके, ठीक है जी, समझदार लगती हैं थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत हैं, ठीक है। क्या सुनाएंगी? कुछ भी नहीं, बहुत आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर एक्टिंग, एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट है? एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वैसे हूँ भी एक्टर थोड़ी बहुत, बहुत है। मैं भी एक्टर। फेवरेट एक्टर कौन है? ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, देखती हूँ सबको, सबको देखती हैं। ओके, तो आप क्या मैसेज देंगी, क्या शेयर करेंगी? मैं ये कहूँगी कि आप हमारे आजकल का जो माहौल चल रहा है हमारे पाकिस्तान का, उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हमें अपने पाकिस्तान मुल्क के साथ सिंसियर रहना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के साथ ना ख़राब, बिल्कुल बहुत कुछ उसके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें एक चीज़ मिली है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं वैसे पाकिस्तान अपने मुल्क का ख्याल रखना भी ख्याल रखना चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हैं जी। क्या करती हैं? मैथ्स कॉम में। मैथ्स कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है, सेमेस्टर थर्ड? थर्ड सेमेस्टर।
क्या प्लान्स हैं आपके, क्या डिग्री को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से कंटिन्यू करेंगे? इंशाल्लाह राइटर बनके। एक्टर बन गए? राइटर। राइटर बन के बहुत डिफरेंट चीज़ बताइए आपने, अभी भी कुछ लिखती हैं? स्टार्टिंग है अभी तो, इसमें भी स्टार्ट है इस डिपार्टमेंट में तो अभी से। तो लिखने का शौक़ कब से है? लिखने का नहीं, पढ़ने का था, तो वो पढ़ पढ़ के फिर लिखने की। इतना नॉलेज आ गया कि लिख भी सकती हैं? बिल्कुल। कुछ लिखा है अभी तक आपने? नहीं फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन शौक़ है? शौक़ है। ठीक है, तो बुक्स कौन सी पढ़ती थी आप, किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद थी? बुक्स तो इंटरेस्टिंग और नॉवल से स्टार्ट किया था। नॉवल से स्टार्ट किया था। कोई फेवरेट बुक बताएं अपनी? नॉवल पूछ लें? हाँ नॉवल बता दें कोई भी, जो आप लोगों को रेकमेंड करना चाहें कि ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। जन्नत के पत्ते। इससे आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट हुआ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। उसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो के पढ़ने चाहिए लोगों को। अच्छा ठीक है, तो अभी सवाल कर रही हूँ कॉमन सेंस का आपसे, आपने जवाब देना है। ओके ओके। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे बताएंगी कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी चार टांगे हैं मगर वो चल नहीं सकती? टेबल। पक्का कंफर्म बताए ना? टेबल। टेबल की बात है? बिल्कुल। ओके चलें, कहती हैं तो मान लेती हूँ। मुझे लगता है मैं सवाल बहुत आसान कर रही हूँ। इसी वजह से तो मैंने बिल्कुल बता दिया जल्दी से। ओके टंग ट्विस्टर करेंगी आप, जो मैं बोलूँगी आप उसको 10 times रिपीट करेंगी। ओके ओके बोल लेंगी? बोलूँगी। ट्राई ना बोला? ट्राई कर लूँगी एटलीस्ट, ट्राई कर। ओके कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में मकड़ी का जाला? नो। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी, कीकड़ की लकड़ी में मकड़ी का जाला। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। यस, अब इसको आपने इन द फ्लो 10 times बोलना है। चले आपके लिए कम कर देते हैं, 5 times बोल दें। कीकड़ की क्या था? कीकड़ की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकड़ की लकड़ी में, नहीं कीकड़ नहीं कर पा रही। नहीं ओके लास्ट टाइम। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकड़ की लकड़ी की मकड़ी। ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या सुनाएंगी? नहीं कुछ नहीं। अब आपने देखे टंग ट्विस्टर तो आपसे नहीं हुआ, मैसेज देना चाहूँगी। ओके ज़रूर दें। ये कि फोकस करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो? जिस फील्ड में? जिस फील्ड में। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हमाद बलोच। क्या करते हैं आप? मैं एमफिल कर रहा हूँ इधर से, अभी बीएस कंप्लीट हुई है मेरी, एमफिल का स्टूडेंट हूँ। एमफिल के स्टूडेंट हैं, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? बस थोड़े बहुत हैं, सही ज़्यादा नहीं है। इस फील्ड से रिलेटेड कुछ करेंगे? हाँ देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा अभी कुछ सोचा नहीं है? सोचा नहीं है कुछ नहीं। ओके तो सवाल कर लूँ आपसे? जी हाँ। सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी चार टांगे हैं मगर वो चल नहीं सकती? सोच में पड़ गए हैं आप। बहुत मुश्किल सवाल पूछा है ये, तो सवाल ही बहुत आसान है। पहले मुझे आती नहीं है ज़्यादा। कॉमन सेंस का सवाल है, देखिए शायद इर्द गिर्द आपके मौजूद हो, इतना हिंट मैंने आपको बड़ा दे दिया। चार टांगे हैं, चेयर। थोड़ा सा और सोचें। चेयर ही है, इसकी चार टांगे हैं, चलती नहीं है। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। यही है ना? यही जवाब है ना, अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे? मैसेज ही दे दूंगा एक। मैसेज देना चाहते हैं? ओके ज़रूर। मेरा मैसेज ये है कि इखलाक, मोहब्बत और प्यार बांटें इधर, ये इंसान में होगा तो बस बेहतरीन चीज़ है। तकलीफ़ किसी को ना दें, किसी इंसान को भी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन आजकल इस बात को ना इतना इस पर फोकस नहीं किया जाता। इसीलिए तो कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी है जो लोग इस तरह, मतलब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बड़ा ग्रो कर रही हैं? असल में मसाइल भी बहुत है, माशरा ऐसा हो गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है, लोग अपने में पड़े हुए हैं, दूसरों की फिक्र नहीं है लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है अभी एक ब्रेक का, हाजिर होती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। प्यार की राह में चलना सीख, इश्क की राह में
चलना सीख बस। बैक व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं ब्रेक के बाद। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत, उनसे गपशप करते हैं ताकि आप लोग भी प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें और मैं भी उनके साथ एंजॉय कर सकें और उनका टैलेंट आप लोगों के सामने आ सके। अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल। क्या करते हैं? आई एम डूइंग मैस कॉम बीएस फ्रॉम बीजू मुल्तान इन फर्स्ट सेमेस्टर। सेमेस्टर है आपका? फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर है आपका, ओके। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, गोल्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आई वांट टू बिकम अ डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। सो इसके अलावा मुझे, आप फाइन आर्ट्स में क्यों नहीं गए? फाइन आर्ट्स में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि क्राइटेरिया जो था उनके अकॉर्डिंग वो मैं अचीव नहीं कर पाया, तो डेट्स व्हाई आई एम हियर। तो आपने फिर सोचा कि मैस कॉम किया जाए? जी, मीडिया फील्ड मुझे अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मीडिया फील्ड ही ऐसी है कि सबको अट्रैक्ट करती है। जी बिल्कुल ऐसी है, फैसिनेटिंग है। जी, और इसके अलावा मीडिया फील्ड अच्छी लगी और मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया और मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। इंजॉय करते हैं आप? जी बिल्कुल, इंजॉय भी करते हैं और थोड़ी बहुत स्टडी भी करते हैं। थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, पूरी स्टडी नहीं करते? करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करते, नॉर्मल। क्या सुनाएंगे फिर? मैं आपको, आप क्या सुनना चाहेंगी? गाना सुना दें। कौन सा? कोई भी जो आपने रिसेंट सुना हो या जो आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग हो। मैं आपको एक छोटी सी ऐड की वो सुनाना चाहूँगा। ओके। प्यार की राह में चलना सीख, इश्क की राह में चलना सीख। बस बस, आवाज़ तो आपकी अच्छी है। जो है ना, बेसिकली मैंने एक मीम में सुना था ये, तो वो आपने सुनाया था, इसके एंड पे यही आता है कि मैन विल बी मैन। ओके ठीक है जी, और कोई मैसेज देंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी मैं मैसेज बस यही देना चाहूँगा कि दूसरों के लिए प्यार बांटें, खुशियाँ दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं टांगे खींचने वाले, तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप दूसरों को भी रास्ता दें। अपने सीनियर लोगों को चाहिए कि जूनियर्स के लिए जो है प्लेटफॉर्म वो स्मूथ करें, ना कि हर्डल्स उसमें ऐड करें। होता है ना ऐसा कि सीनियर्स हर्डल्स क्रिएट करते हैं? बिल्कुल होता है, ऐसे ही है। तो बस जी, इस एनवायरनमेंट को ख़त्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, इस एनवायरनमेंट को ख़त्म होना चाहिए और जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको बल्कि हमें प्रमोट करना चाहिए कि ताकि वो फील्ड में आकर काम करें और अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकें, शो कर सकें। अच्छा, एक और सवाल करने का दिल चाह रहा है मेरा आपसे। करें। हमारा कौमी तराना किसने लिखा है? हमारा कौमी तराना हफीज़ जालंधरी। सोच लें। हमारा कौमी तराना हफीज़ जालंधरी। पक्की बात है? जी पक्की बात। ओके ठीक है, कहते हैं, मान लेते हैं। यस इट इज़ ट्रू। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मालिक अली खान। मालिक अली खान, किसने रखा है आपका नाम? ये मेरे बाबा ने मेरा नाम रखा था। हमारी आपको पसंद है? बहुत पसंद है। और अगर ज़िंदगी में आपको कभी अपना नाम चेंज करने का मौका मिला तो करेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता, चूँकि मुझे यहाँ पर भी बच्चे कहते हैं, मेरे साथी कहते हैं कि यार आपका नाम ही मालिक है, कि इख्तियार इसमें महसूस होता है, तो इसलिए मैं तो आपकी पर्सनैलिटी पर इसका कोई असर है? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं समझता हूँ अगर इख्तियार जो है या जो आपकी ज़ात में दबदबा है वो आपका नाम बिल्कुल पैदा करता है, और मालिक अली आप नाम सुने तो उसमें एक हैबत और जलाल जो है मैं समझता हूँ महसूस होता है। और आप में ये चीज़ है? मुझे तो अभी ज़ाहिर है, ये सामने वाला बता सकता है कि किस हद तक महसूस होता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल महसूस करता हूँ। आप समझते हैं कि आपके अंदर है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये है। ओके, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? क्या क्या टैलेंट्स हैं आपके अंदर? टैलेंट का यही है कि अभी तो एमफिल की क्लास जारी है, तो ज़ाहिर है क्लास है हवाले से आप मज़ीद जो पूछना चाहें तो पूछ लें। नहीं तो आप कुछ एक्टिंग का शौक, कोई गाना, कोई शेर व शायरी, कोई बुक रीडिंग, कोई राइटिंग,
क्योंकि इस फील्ड में आते हैं ना, तो हमारी ये स्किल्स जो होती हैं वो बिल्ट इन होती हैं हमारे अंदर, या नहीं भी होती तो हमारे अंदर शौक होता है उन चीज़ों का। तो इसलिए फिर मैं आपसे चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप शेयर करें। ज़रूर, मैं जो है लिखना पसंद करता हूँ, अक्सर जो है मैं बुक रिव्यूज़ लिखता हूँ। अभी हाल ही में मैंने पालो कोलो का एक रिव्यू है, अल्केमिस्ट के नाम से नॉवल है, तो वो मैंने लिखा था और जंग में शाया हुआ है। वेरी गुड। इसके अलावा भी जो है अभी कल ही मैंने अपने बाबा के उनवान पर, चूँकि उनकी बरसी का मौका था, तो उस पर याद रफ्तगां के उनवान से। अच्छा, मैं सुनाएंगे आप आज उस कॉलम के हवाले से। कॉलम में ये था कि जो बुक रिव्यू था वो टोटली बेस्ड था पालो कोलो ने जो लिखा था अल्केमिस्ट, उसकी एक स्टोरी थी, और जहाँ तक ताल्लुक है बाबा के उस बरसी के हवाले से उस पर, तो एक हादसे में बाबा का जब इंतकाल हुआ तो मेरा बीएस का ये सिलसिला जारी था, तो वही मैंने एक यतीम बच्चे की कहानी जो है अपने लफ्ज़ों में ढाल कर पेश की है। दैट्स ग्रेट। बड़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे स्टूडेंट्स को देख के। बाज़ुकात इस तरह होता है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स से मिलती हूँ, जैसे अभी मैं आज आपसे मिली हूँ, तो मुझे एक बड़ी मोटिवेशन मिली और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को इतना मोटिवेटेड देख के, अपने फील्ड में इतना मोटिवेटेड देख के, काम करते हुए देख के, कि आप लोग अभी से इतनी कोशिशें कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आप इन फ्यूचर कुछ अच्छा करेंगे। और कंटेंट राइटिंग जिस तरह हमारी इस फील्ड की डिमांड भी है, तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। कॉमन सेंस का सवाल कर लूँ आपसे? ज़रूर। ओके जी, आप मुझे सवाल मेरा ये है कि आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी चार टांगे हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? कुर्सी। पक्की बात है? टांगे हैं, हाँ जी, चल नहीं सकती। ओके जी, ठीक है, जवाब दे दिया है आपने। आसान आसान से सवाल मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें, मैं भी इंजॉय कर सकूँ, ज़्यादा आप लोग को क्यूरियोसिटी में ना डालूँ। ऐसा ही है। नहीं, बहुत सादा सवाल था और अच्छा सवाल था। जहाँ तक अभी आपने बताया ना शेर व शायरी पर, तो मैं चाहूँगा इख्तिताम में आपको एक शेर के साथ रुख्सत करूँ। ज़रूर ज़रूर। तो शेर कुछ यूँ है कि जाने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, जाने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, तो फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, डिपार्टमेंट आई हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपकी पूरी टीम का, और ऐसे ही आप अच्छा सा ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें ताकि देखने वाले मज़ीद सीखते रहें। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है एमफिल। एमफिल का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो बीएस में क्या जीपीए था आपका? 3.54। हाँ, नाइस, अच्छी बात है। पढ़ने वाले लगते हैं? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। थोड़े से पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा नहीं? जी बिल्कुल। ज़्यादा पढ़ाई नुकसान देती है? ज़्यादा पढ़ाई नुकसान देती है। अच्छा, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई तो कभी भी नुकसान नहीं देती, नॉलेज तो जितना उतनी अच्छी बात होती है। नज़र लग जाती है कभी कभी। ओहो, आप नज़र लगने के डर से नहीं पढ़ते? जी बिल्कुल। चलें ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। सवाल आपसे करती हूँ, आप मुझे जवाब देंगे। ओके ज़रूर। सवाल आपसे ये कि हमारा कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज जलंधरी ने। सोच लें। हाँ बिल्कुल। कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? 1857। सोच लें एक दफा फिर। 1876। ठीक है, ये हालात है हमारे स्टूडेंट्स के। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली आई एम रियली बैड इन डेट्स। रियली बैड इन हिस्ट्री? यप। ओके, नो प्रॉब्लम। सवाल आपसे कॉमन सेंस का कर लेती हूँ। वो भी गुजारे लायक ही होगी। ओके ठीक है, सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी चार टांगे हैं मगर वो चल नहीं सकती? चार टांगे हैं मगर वो चल नहीं सकती। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ ही नहीं बनी ऐसी जिसकी चार टांगे हों और वो चल नहीं सकती। चारपाई। चारपाई, ओके मान लेती हूँ। ठीक है, क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कुछ करना है, यूनिवर्सिटी में आना है, तो अपने ड्रीम्स को लेके आएं, अपने जो है ना माइंड को क्लियर करके आएं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो। मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आपको पता हो आपने अगर किसी चीज़ में एडमिशन लिया है तो वो क्यों लिया है। अगर आपने फिजिक्स में जा रहे हैं तो फिजिक्स में क्यों जा रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो आपको क्लियर एंड कट हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिताना है आपने। आप लाइब्रेरी जाते थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। बुक्स पढ़ते हैं? हाँ जी, बुक्स पढ़ता हूँ मैं। कोई एक दो अच्छी किताबों के नाम बताएं जो कि ऑडियंस को बताएं
उन्हें रेकमेंड करें जो कि पढ़ने के शौकीन लोग हैं वो पढ़ें उन्हें और उनसे उन्हें फ़ायदा मिल सके? सबसे पहले एक बुक है अल्केमिस्ट, वो सबको पढ़नी चाहिए मैं कहता हूँ, और दूसरी बुक है व्हाट आई नो फॉर श्योर, ओप्रा विनफ्रे की है, ये बुक लाजमी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर टीनेजर वो कुछ चाहते हैं तो वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ लें या टीनेजर पढ़ लें, तो वो दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो ये इनको बड़ा फ़ायदा देंगी। ओके जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन। आप बेहतरीन जी। लोग भी कहते हैं बेहतरीन है या खुद कह रहे हैं? मैं ही कहता हूं। अच्छा ठीक है, लोगों का नहीं कुछ कह सकते जी। ओके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान, क्या करते हैं आप? एमफिल। एमफिल सेमेस्टर फर्स्ट। फर्स्ट सेमेस्टर। तो बीएस के जो 4 साल थे वो आपने कैसे गुजारे? बेहतर गुजरे हैं। अच्छे गुजर गए जी। क्या सीखा उन 4 सालों में आपने? बस फिलहाल तो यही मीडिया की स्टडी ही सीखी है कि क्या करना है, अपने ख्वाब कैसे परसू करना है आगे जाके। और ख्वाब क्या हैं आपके? हाँ फिलहाल तो पीएचडी करनी है, डॉक्टर लगवाना है। नाम डॉक्टर लगाना है नाम के साथ जी। और मीडिया के हवाले से क्या ख्वाब हैं आपके? फिलहाल तो चैनल शुरू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स का। अच्छा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको जी। ओके, तो सवाल कर लूँ आपसे? बेहतर कर लें। और यहाँ टंग ट्विस्टर कर लूँ? जो मर्जी चाहे। चलें इनसे टंग ट्विस्टर कराते हैं हम। आपने जो मैं बोलूंगी आपने उसको 10 times रिपीट करना है, ठीक है? 10 times। चलें आपको थोड़ी सी रायत दे देते हैं, 7 times रिपीट कर लीजिएगा। ओके ओके। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में मकड़ी का जाला। गौर से सुनेंगे, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। फिर से बोलो। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, ऐसे है? बिल्कुल ऐसे ही है। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी की मकड़ी में आप नहीं कर सकेंगे? नहीं। चले फिर कुछ सुना दे। सुना नहीं, मेरी आवाज़ पा रही नहीं है वैसे इतनी ज़्यादा। आवाज़ अच्छी नहीं है आपकी। ओके, कोई मैसेज देंगे? यही कि आप आए हैं, अपने यहाँ ख्वाब पूरे करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, स्टडी पूरी करें, ऐसे रहने से तो बेहतर ही है। ओके जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हंस क्यों रहे हैं आप? बस वैसे मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते रहते हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए। जी जी, हम मुस्कुराना चाहिए, दुनिया में इतने गम, इंसान इसको रिलीज कर रहा होता है तो मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। जी जी, आप भी मुस्कुराते रहा करें, कैमरामैन को भी मैं कहूँगा कि मुस्कुराते रहा करें। ओके, ऑडियंस को क्या कहेंगे? ऑडियंस भी मुस्कुरा ही रहे होंगे उम्मीद करते हैं। ओके, क्या नाम है आपका? मंसूर। और क्या करते हैं आप? मैं जी बीएस 7th semester का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स कम्युनिकेशन, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। और फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल्स यही हैं कि बस अभी चल रहा है हमारा वीज़ा प्रोसेस चल रहा है एमफिल के लिए, ऑस्ट्रेलिया का इरादा है इंशाल्लाह। और इस डिग्री को करने के पीछे बैकएंड पे क्या चीज़ें थी, आपने क्या सोचा कि मैथ्स कम्युनिकेशन करना, ये डिग्री को करना चाहिए अडॉप्ट? ऐसे था कि जी पहले मैं आर्मी में था तो मैंने आर्मी को छोड़ दिया था, फिर मैंने एडमिशन लिया था, मीडिया का शौक था क्योंकि स्टार्ट से मैं स्पीचेस कर रहा था, क्योंकि स्कूल लाइफ डिबेट्स करते थे। जी जी, डिबेट्स स्कूल लाइफ में, और ऑल पंजाब स्पीच कंपटीशन में 2nd position है मेरी। वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद फिर मैं आर्मी में चला गया, वहाँ से ISS भी रिकमेंड हो के फिर उसे वहाँ से छोड़ के फिर वापस आया। वहाँ से छोड़ने की क्या रीज़न थी? बस वो दिल नहीं मुतमैन हो रहा था, दिल कर रहा था कि मतलब मैं इधर से और आगे जाना है मैंने ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नहीं होती। नहीं, जी जी, बस वही मैंने भी यही सोचा, फिर IR में एडमिशन लिया, फिर IR में भी 4-8 दिन दिल नहीं लगा, समझ आ गई कि ये शोभा नहीं है आपके लिए, तो फिर मैंने मैथ्स कॉम में आके फिर ट्रांसफ़र कराया, मेरा नाम आया हुआ था, तो फिर यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। सेटिस्फाइड है अपनी डिग्री से? दिल मुतमैन है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी खुश। ठीक है, और क्या शेयर करेंगे, क्या सुनाएंगे? गाना आता है? गाना तो नहीं, हम लोग बस ऐसे दुखी से थोड़ा एक हाथ शेर सुना दें। सुनाए। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे, जलती हुई ज़मीन को बचाना पड़ा मुझे, बादल की तरह दश्त में आना पड़ा मुझे। भूल गया जी। चलें कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है। कोई मैसेज देंगे? बस मैसेज यही दूंगा कि जहाँ भी रहें खुश रहें, दुनिया में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे मसाइल हैं, आपके सिर्फ मुस्कुरा देने से ही आपका चेहरा ही खुश होगा, तो उससे जो है ना आपकी टेंशन रिलीज होती है, तो हंसते रहा करें।
ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. व्यूअर्स और स्टूडेंट्स अभी बातचीत करेंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, हाजिर होती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. रावा चुबावा चुओ नू लुकाव कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे. बैक व्यूवर्स, आ गई है आपकी होस्ट ब्रेक के बाद. अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाम माजिद है. जाम माजिद, क्या करते हैं आप? मैं बीजेड जैसे पॉलिटिकल साइंस में ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ. पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं जी. क्या फ्यूचर प्लान हैं, क्या गोल्स हैं? फ्यूचर प्लान कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा म्यूजिक का शौक है, सिंगिंग का, और इसके अलावा तो. सिंगिंग का शौक कब से है? सिंगिंग का शौक है 8th क्लास से. 8th क्लास से, बहुत लंबे अरसे पहले से, और तब से ही गाते हैं? जी मैं तब से ही गाता हूँ, तब से स्टार्ट किया हुआ है गाना. अच्छा, कुछ कभी कोई गिटार के साथ या किसी और कभी कुछ बैंड वगैरह है किसी के साथ एसोसिएटेड हैं या ऐसे ही यानी इसको परसू किया है? हाँ जी, बैंड है, विशाल बैंड है, उनके साथ मैं होता हूँ और वहीं से ही सीखा हूँ. वहाँ हाशिर भाई, हाशिर राजपूत होते हैं तो वो सिखाते हैं हम सबको. तो इंस्ट्रूमेंट अभी 1 ईयर ही हो रहा है, मैंने स्टार्ट किया है गिटार सीखना स्टार्ट किया, तो अब थोड़ा बहुत गिटार भी प्ले कर लेता हूँ, बाकी वोकलिस्ट तो स्टार्ट से हूँ 8th क्लास. ओके, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आपको कोई अपना बहुत फेवरेट गाना सुना दें जो कि आपको बहुत पसंद हो. गाना अब जो रिसेंटली आया है उसका, अली सिटी का, वो कल सुनाएं. अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तनु खबर किवें होवे आ जावे दिल मेरा पूरा भी ना होवे. बस इतना सही सुनाएंगे? आवाज आपकी इतनी अच्छी है. बस अभी इतना ही सुना सकता हूँ. इतना ही सुना सकते हैं? ओके, सवाल कर लूँ फिर आपसे? कर ले, और अगर जवाब ना आया फिर से एक गाना सुनेंगे आपसे. चलें ठीक है. ओके ठीक है. आप बताएं कि पाकिस्तान का सबसे लंबा सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है दरियाए सिंध. एक दफा फिर से सोच लें. हाँ जी, और नहीं हो सकता? नहीं, यही है, इंडस. ओके, सही जवाब है. गाने से क्यों बच रहे हैं आप? गाने से बच नहीं रहा, असल में मैं रेडी नहीं हूँ सही सुनाने के लिए कुछ सोच के भी. लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप किसी भी तरीके से गाएं, तो जिनकी आवाज़ खूबसूरत होती है वो कहीं भी कुछ भी गा लें तो वो अच्छा ही लगता है. और आपसे टंग ट्विस्टर कराऊंगी, आपने जो मैं बोलूंगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है. ओके ठीक है. आप बोलेंगे कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला. कीकर की लकड़ी में मकड़ी की खिड़की का जाला? नहीं, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला. कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, इसको आपने 5 times रिपीट करना. कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला. ओके नाइस ट्राई. ठीक है जी, कोई मैसेज? कोई मैसेज बस यही है, मेहनत करें और कामयाब हो बस. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.
क्या नाम है आपका? इफ्तखार उल हसन। और क्या करते हैं आप? मैं बीएस कर रहा हूँ बीपीए में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर, क्या प्लान्स हैं आपके? सीएसएस। सीएसएस करेंगे, तो ये कब से सोचा आपने? ये बस रिसेंटली सोचा। रिसेंटली सोचा है, तो पहले क्या सोचा था जब आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया? पहले बिजनेस का सोचा था। बिजनेस का सोचा था, ओके। टंग ट्विस्टर करवाऊंगी आपसे, जो मैं बोलूंगी आपने 10 times उसको रिपीट करना है, ओके? ओके। कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में, गौर से सुनेंगे, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। नहीं, चेंज करना नहीं होगा। नहीं होगा, कीकर की लकड़ी में मकड़ी। चले आप ये बोल दें, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की लकड़ी में मकड़ी, नहीं बोल पा रहे, समझ नहीं आ रही ना। देखें, कीकर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। कीकर की खिड़की में मकड़ी, नहीं आ रहा मैं समझ, सॉरी। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, चलें ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान, क्या करते हैं आप? मैं मैथ कॉम में अभी 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 एडमिशन लिया है। अच्छा, अभी अभी एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर है? हाँ जी। अच्छा, ये आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप बोलते यस हैं? नहीं, कुछ लव मैं हक ला के बोलता हूँ, कभी कभी तेज़ भी बोलता हूँ, इतना तेज़ बोलता हूँ कि किसी को समझ ही नहीं आती। अच्छा, वैसे वो तेज़ बोल के दिखाएं? अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपने स्लो ही बोला है ना, कुछ तेज़ बोल के दिखाएं। कुछ तेज़ मैं उस टाइम बोलता हूँ जब मैं कोई गाना गाता हूँ। अच्छा चलें, फिर गाना सुनाएं आप हमें। गाना कौन जो मुझे अच्छा लगता है वो सुना दूँ? हाँ हाँ, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है आप वो सुना दें हमें। चलो ठीक है, माइक दिखा दे, मैं गा लेता हूँ। अगला वा मजबूरी नू आण जाण दी पसूरी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सी यो नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू, रावा चुबावा चुओ नू लुकावा कोई मैनू ना रोके। मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। इतना ही आता है? नहीं आता है आपको? हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों ने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, जिस तरह के मैंने यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से गपशप भी की है, उनसे कॉमन सेंस के सवाल भी किए, और मेरी कोशिश थी कि उनके टैलेंट को मैं आप सबके सामने लेके आ सकूं। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रोग्राम को बहुत इन्जॉय किया होगा। अगले एपिसोड तक, अगले प्रोग्राम तक आप लोग दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।